हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर 2021 यानी मध्य प्रदेश दैनिक साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 16 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सभी प्रति परीक्षाओं यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। टॉप 40 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रामानुजन प्राइज हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में रामानुजन प्राइज नीना गुप्ता को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नीना गुप्ता। दोस्तों, रामानुजन प्राइज आपको पता होगा यह मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। 2014 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी नीना गुप्ता जी को मिला था। दोस्तों, इस अवार्ड की शुरुआत 2005 में की गई थी। तो इतना आपको रामानुजन प्राइज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरनाज कौर संधु को किस खिताब से नवाजा गया है? तो दोस्तों, हाल ही में इन्हें मिस यूनिवर्स बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हरनाज कौर जो भारत की हैं वह मिस यूनिवर्स बनी है हाल ही में। दोस्तों, 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब भारत ने जीता है। 70वां आयोजन इसका हाल ही में इसराइल में किया गया था। 2020 की जो विनर है वह एंडिया मेजा थी जो मेक्सिको से थी, और 2021 में हमारी हरनाज कौर संधु ने यह खिताब जीता है। दोस्तों, इनसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने और 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। कुल तीन ही महिलाएं अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब भारत से जीत पाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाबी गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाबी गार्डन ग्वालियर में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गुलाबी गार्डन प्रदेश का ग्वालियर में बनाया जा रहा है। दोस्तों, वर्तमान में भोपाल में सबसे बड़ा गुलाबी गार्डन है, लेकिन अब यह ग्वालियर में बनने के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुलाबी गार्डन बन जाएगा। 100 तरह के गुलाबों की किस्म यहाँ पर लगाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात आई है ग्वालियर की, तो चलिए मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ग्वालियर की है। ग्वालियर को प्राचीन नाम गोपांचल था। मध्य प्रदेश का राजस्व और महालेखाकार कार्यालय, आबकारी विभाग, मुख्यालय ग्वालियर में ही है। मोहम्मद कौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन का मकबरा, ये ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक परीक्षण महाविद्यालय भी ग्वालियर में ही बनाया गया है। विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय को 2006 में बनाया गया था। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। सोन चिड़िया किले घाटी का अभ्यारण ग्वालियर में ही है। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो ग्वालियर में है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए ग्वालियर के बारे में, आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों, भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 47 यानी 47 हो गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 47 रामसर साइट वर्तमान में भारत में हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में हैदरपुर बैटलैंड जो यूपी में है वो जोड़ी गई है, और ये यूपी की 9वीं साइट है, भारत की यह 47वीं साइट है। दोस्तों, ये रामसर साइट क्या होती है? तो आपको बता दें, जो रामसर साइट होती हैं यह ईरान के एक 1971 में एक सम्मेलन हुआ था रामसर में, वहाँ पर एक एजेंडा पारित किया गया था जिसमें जो बहुत ही फेमस जहाँ पर वन्य जीवों के लिए या पेड़ पौधे या फिर पक्षियों के लिए जो भी बहुत अच्छी जगह होती है उसे रामसर साइट में शामिल किया जाता है, और ऐसी साइट भारत में 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, टाइम मैगजीन का हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, एलन मस्क। दोस्तों, ये स्पेस एक्स के एमडी हैं या फिर स्पेस एक्स के मालिक हैं, इनका नाम है एलन मस्क, जिन्हें टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर के लिए वैक्सीनेशन वैज्ञानिकों को चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ एथलीट के लिए सिमोन बिलेस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में हाल ही में किस शहर को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, यूनेस्को की इस सिटी में हमारी श्रीनगर को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया है। दोस्तों, कुछ और शहर हैं जो शामिल किए गए हैं, जैसे गैस्ट्रोमोना में हैदराबाद को 2019 में शामिल किया गया था। फिल्म के क्षेत्र में 2019 में मुंबई को शामिल किया गया था। क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2017 में चेन्नई को शामिल किया गया था। 2015 में क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए वाराणसी को भी शामिल किया गया था। क्राफ्ट एंड फोल आर्ट के लिए
ये जयपुर को 2015 में शामिल किया गया था और अब नेटवर्क की क्रिएटिव सिटी में हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति क्लियरिंग प्लेटफॉर्म हाल ही में किस राज्य में पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों उन्नति क्लियरिंग प्लेटफॉर्म हाल ही में दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल लिटरेसी इंडेक्स में हाल ही में कौन सा स्थान किस राज्य ने शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल। फंडामेंटल लिटरेसी इंडेक्स में पश्चिम बंगाल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें सबसे लास्ट में है बिहार, छोटे राज्यों में केरल ने टॉप किया है और यूटीज में लक्षद्वीप ने टॉप किया है। 10 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल लिटरेसी पर आधारित यह इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल ने टॉप किया है। दोस्तों बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, राजधानी कोलकाता है। दोस्तों जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हाल में अवार्ड यह किसे दिया गया है? दोस्तों ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में कुमार मंगलम को दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कुमार मंगलम। भारतीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो दोस्तों भारत विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें यह आयोजन पणजी गोवा की राजधानी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये देश है भूटान। हाल ही में भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों अपने 114वें राष्ट्रीय दिवस पर ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्लास ग्लाइपो से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। दोस्तों इससे पहले मोदी जी को बहुत से देशों के द्वारा जैसे यूएई, ओमान आदि देशों के द्वारा भी अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात आई है भूटान की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, भूटान यह हमारा पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ के जो मोनार्च हैं वह हैं जिम्मे खेसर और प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड त्शेरिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO के द्वारा वैक्सीन को आपात मंजूरी दी गई है, तो दोस्तों किस वैक्सीन को आपात मंजूरी दी गई है? तो ये है दोस्तों कोवोवैक्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कोवोवैक्स को हाल ही में WHO के द्वारा आपात मंजूरी दी गई है। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट और USA के नोवावैक्स के द्वारा इसे बनाया गया है। हाल ही में GT नानावती का निधन हुआ, यह कौन थे? तो दोस्तों GT नानावती का निधन हुआ, यह पूर्व जज थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों GT नानावती सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, 1995 से 2000 के बीच यह सुप्रीम कोर्ट में जज रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हाल ही में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हाल ही में सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किदाम्बी श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों पहले भारतीय मेल प्लेयर हैं जिन्होंने ऐसा किया है। खेल नर्सरी योजना 2022-23 हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों खेल नर्सरी योजना 2022-23 हाल ही में हरियाणा में शुरू की गई है, तो ऑप्शन ए हरियाणा इसका सही आंसर होगा। बात आई है हरियाणा की, तो दोस्तों लोकेशन एक देख पा रहे होंगे, ये हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को यह राज्य बनाया गया था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। स्तनपाई काला हिरण है, यहाँ का पक्षी है काला फ्रोंकलेन। अगर बात करें राजकीय फूल की तो कमल है, और पेड़ की बात करें तो राजकीय पेड़ है पीपल हरियाणा का। दोस्तों इतने फैक्ट आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। ये जो लास्ट में फैक्ट दिए रहते हैं ये आपको जरूर जरूर याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को, ऑप्शन बी ऋषभ पंत इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये भारतीय टीम में विकेट कीपर हैं जिन्हें हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का यह कौन सा वर्ष था? तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का यह है 111वां वर्ष था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में की गई थी बाय सर सौरभ जी के द्वारा, सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी, और अब 2021 में इसने अपना 111वां दिवस मनाया है, स्थापना दिवस। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको हमें लगता है कि ये बहुत लोअर क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है उसका नाम है प्रलय। हाल ही में प्रलय नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 2021-22 में हो गई है? तो दोस्तों भारत में कुल 54 यूनिकॉर्न कंपनियां बन गई हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर बात करें यूएसए में, तो यूएसए में 487 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, चाइना में 301 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, और भारत में 2021-22 में कुल 54 कंपनियां ऐड की गई हैं। दोस्तों 2025 तक लगभग भारत में जो है वह 150 के समथिंग यूनिकॉर्न कंपनियां हो जाएंगी, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? तो दोस्तों हाल ही में जी कंपनी का अधिग्रहण सोनी के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी सोनी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सोनी टेलीविजन के द्वारा जी कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। दोस्तों यह जो अधिग्रहण किया गया है वह 75,000 करोड़ रुपए में किया गया है। देश का सबसे बड़ा मनोरंजन नेटवर्क अब जी के मिलने से सोनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इससे पहले ये आईपीएल खेला करते थे, लेकिन अब इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत है वह 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेल के की थी। टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले यह पहले भारतीय थे। तो हरभजन सिंह के बारे में इतना आपको याद रखना है, जिन्हें हम भज्जी के नाम से भी जानते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाला है गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात इसका सही आंसर होगा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गोवा है। दोस्तों सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक वृद्धि दर जम्मू कश्मीर में देखी गई है, और ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स केंद्र के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तरीके से या फिर बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रहा है। दोस्तों बात आई है गुजरात की, तो मैप में लोकेशन आप देख पा रहे हैं, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गांधीनगर इसकी राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। भूपेंद्र सिंह पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं गुजरात में। बात करें अगर सॉन्ग की, तो जय जय गरावी गुजरात ये यहाँ का राजकीय सॉन्ग है। मेमल की बात करें तो एशियाटिक लाइन यहाँ का मेमल है। वर्ड की बात करें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का वर्ड है। फ्लेवर जो दोस्तों फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड गुजरात का फ्लावर है। फ्रूट की बात करें तो मैंगो है, और ट्री की बात करें तो बनियान गुजरात का यानी बरगद जो है वह गुजरात का राजकीय ट्री है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में पहला राज्य स्थान हासिल किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कार्तिक कुमार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कार्तिक कुमार को कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये सितार वादक हैं और मुंबई में रहते हैं। चेन्नई के बक्कू बिनायकरम को घटम वादक जो है इन्हें भी कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हाल ही में कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। हाल ही में किसे पीटर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को हाल ही में पीटर पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2020 में यह अवार्ड जॉन अब्राहम को दिया गया था, और 2021 में यह अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। दोस्तों पीटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल होता है। देश का पहला डिजिटल फॉसिल पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह है
डिजिटल फॉसिल पार्क धार जिले में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है, इसका यह कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों हाल ही में तानसेन जो महोत्सव है ग्वालियर में शुरू हुआ है और इसका यह 97वां संस्करण था। ऑप्शन सी 97 इसका सही आंसर होगा। यहाँ से दोस्तों यही दो क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तानसेन महोत्सव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। झांसी की रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ हाल ही में अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। दोस्तों आपको कोई एक और यूको बैंक का ब्रांड जो एमडी और सीईओ है वह सोमा शंकर प्रसाद को बनाया गया है। क्वांटम प्रयोगशाला का गठन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों क्वांटम प्रयोगशाला का गठन मध्य प्रदेश के महू में किया जाएगा। दोस्तों महू इंदौर में स्थित है और यहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला का गठन किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत तो कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में दानिश सिद्दीकी को रेड इंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों दानिश सिद्दीकी की हाल ही में मृत्यु हुई है यहाँ पर अफगानिस्तान में। इससे पहले 2020 में इन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मांडू उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों हाल ही में मांडू उत्सव की शुरुआत धार जिले में की गई है। मध्य प्रदेश के धार में हर प्रतिवर्ष मांडू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किसने संन्यास लिया है? तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों रॉस टेलर न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेलते थे। हाल ही में हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों हाल ही में हेल्थ इंडेक्स में पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य बन गया है केरल। केरल ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत में हेल्थ इंडेक्स में सबसे सर्वोपरि राज्य है केरल, उसके बाद दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु का और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। दोस्तों अगर वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है और सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश आता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, बच्चों की मौत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है इस हेल्थ इंडेक्स में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए इस रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना। दोस्तों बात आई है केरल की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे केरल है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी तिरुवनंतपुरम। यहाँ की राजधानी है, गवर्नर यहाँ के आरएफ मोहम्मद खान है। पिनराई विजयन यहाँ की मुख्यमंत्री है। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं केरल में। दोस्तों कुछ और इंडेक्स जारी किए गए हैं जिनमें भारत की रैंकिंग के बारे में बताया गया, ये मैं आपको बता दूं। सो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 71वें स्थान पर है। वहीं नवाचार या इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत 40वां यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 40th स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वां स्थान हासिल है। और वहीं भुखमरी इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर 2021 में बनाया गया है या रखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंडेक्स थे जिनके बारे में चर्चा की। यहाँ से आपके एग्जाम में इंडेक्स से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं दिसंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। तो पहला है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कारगिल पर विजय प्राप्त की थी 16 दिसंबर को, इस दिन 16 दिसंबर को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस भी 19 दिसंबर को पुर्तगालियों के द्वारा आजाद किया गया था, इस कारण हम 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस दोस्तों चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता ही होगा
सुशासन दिवस हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेज थे दिसंबर के। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है। तो दोस्तों ये डेज मैं आपको हर महीने के एंड में देता रहूंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी होती तो इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।